मध्य प्रदेश गांव बीजा ढाना में हितग्राही एवं कार्यकर्ता आंगनवाड़ी से परेशान हो रही है। बच्चे केंद्र में आते हैं तो ठंडी के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं। आंगनवाड़ी बहुत ज़्यादा टपक रहा है। साहिका बाई उलझकर हाथ से पानी फेंकती है और बैठने को जगह नहीं है। हितग्राही और बच्चे केंद्र आते हैं और खड़े खड़े पोषण आहार एवं बच्चे भोजन करते हैं। मैं अनीता और ये मेरा समुदाय। जी, आपके आंगनवाड़ी में पानी भरा है, बच्चे कैसे बैठते हैं? बस ये थोड़ा सा जगह बचा है, इसी में बैठा लेते हैं। बुलाने जाते हैं तो बच्चे पहुंचाते नहीं, गीला है, हम नहीं पहुंचाते, बीमार होते हैं। ये आंगनवाड़ी बना है जब से टपक रहा है कि फिर 2-3 साल के बाद पानी टपक रहा है इसमें? नहीं, 2-3 साल बाद से टपक रहा है। आंगनवाड़ी में पानी टपकता है तो क्या परेशानियां होती है आपको? समझना पड़ता है, पानी बाल्टी में थाली में फेंकना पड़ता है, बैठने जगह नहीं है। हाँ, बीमार हो रहे हैं बच्चे, गीले में बैठा रहे हैं तो इसलिए बच्चे पहुँचा नहीं है। बच्चों को बुलाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं उनके मम्मी पापा? हम नहीं पहुँचाते, बोले बीमार हैं, बीमार हो जाते हैं, बैठने को जगह नहीं है, कहाँ ले जाओगे तुम ठंडी में? बोल, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे गांव की आंगनवाड़ी में भी बहुत ज़्यादा पानी टपकता है। वीडियो के माध्यम से पूरे देश को दिखाना है मध्य प्रदेश में कैसी लापरवाही हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि 4 गांव की आंगनवाड़ी केंद्र में छत की मरम्मत जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि बरसात के दिनों में आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को बैठने में परेशानी ना हो और कार्यकर्ता भी परेशान ना हो। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस नंबर पर कॉल करें 9424300838 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं अनीता, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहट से।